सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल गया। तो आज आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों के लिए फिर से पोषण ट्रैकर ऐप में काफ़ी दिनों के बाद एक नया अपडेट देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली जानकारी देने वाला हूँ कि पोषण ट्रैकर ऐप में कौन कौन से अपडेट नए आए हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लेना है, ताकि सभी अपडेटों के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो जैसा कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इस अपडेट का जो वर्जन है वो कितना आया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 18.6 का ये न्यू अपडेट आया हुआ है और ये 1 जून 2023 को ये अपडेट आया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इस अपडेट में जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं वो क्या क्या हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ से बैक करेंगे, बैक करने के बाद देख पाएंगे कि यहाँ पे ये अपडेट का ऑप्शन आ चुका है। तो सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनें अपने अपने पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट ज़रूर कर लेंगी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे अपडेट आपका कौन कौन सा आया है। तो चलिए व्हाट्स न्यू पर क्लिक करके आपको अपडेट के बारे में सारी जानकारी देते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल का बटन भी ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। लिखा गया है यहाँ पर पहला अपडेट, वाइल अपडेटिंग द बेनिफिशरीज प्रोफाइल द फॉलोइंग ऑप्शन अपडेट प्रोफाइल विल बी डिसेबल्ड। जैसा कि आप लोग प्रोफाइल अपडेट बेनिफिशरी का करते होंगे, तो अब आप लोग यहां पे बेनिफिशरी का प्रोफाइल अपडेट करने जाएंगे तो इस अपडेट के बाद आपका जो प्रोफाइल अपडेट वाला ऑप्शन है उसको डिसेबल कर दिया जाएगा, यानी कि हट दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा अपडेट कह रहा है, अप्लीकेशन वर्जन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द मोर सेक्शन अंडर द लॉग आउट ऑप्शन। यानी कि आप लोगों के पोषण ट्रैकर ऐप में जो लॉग आउट वाला ऑप्शन है उसमें कुछ ऑप्शन को ऐड किया गया है, जिसके बारे में आपको आगे के वीडियो में जानकारी देंगे कि उसमें क्या क्या ऑप्शन को ऐड किया गया है। फिलहाल अभी आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों के पोषण ट्रैकर ऐप में जो लॉग आउट वाला ऑप्शन है उसमें कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा अपडेट कह रहा है, RCS प्रोफाइल कैन बी व्यूड वंस आभा आईडी इज़ लिंक्ड टू बेनिफिशरी प्रोफाइल। अब आभा आईडी जिसका लिंक रहेगा उसी बेनिफिशरी का आप लोग RCS प्रोफाइल देख सकते हैं, जिनका आभा आईडी लिंक नहीं रहेगा उस लाभार्थी का आप लोग RCS प्रोफाइल नहीं देख पाएंगे। ठीक है, चौथा अपडेट बता रहा है, फॉर 0 to 6 month कैटेगरी इज़ द चाइल्ड ऑन सॉलिड फूड हैज़ बीन चेंज टू इज़ द बेबी टू कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। यानी कि आप लोग जैसे कि 0 से 6 माह के बच्चों के THR वाले कैटेगरी में जाते थे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता था कि क्या बच्चा ठोस आहार पे है, तो आपको वहाँ पे यस करना होता था, तो उस ऑप्शन को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पे इस ऑप्शन को चेंज करके आपको देखने को क्या मिलेगा, इज़ द बेबी ऑन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, यानी कि क्या बच्चा पूरक पोषाहार ले रहा है इसके बारे में वहाँ पे बताया जाएगा। पहले था वहाँ पे क्या बच्चा ठोस आहार पे है, उसको चेंज करके अब यहाँ पे लिख दिया गया है क्या बच्चा पूरक आहार ले रहा है, सिर्फ यही वहाँ पे चेंज किया गया है, बाकी कुछ नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका चौथा अपडेट है। और पाँचवा अपडेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखा गया है यहाँ पे, लिखा गया है व्यू THR ऑप्शन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सेम एंड अंडरवेट लिस्ट ऑन एप्लीकेशन डैशबोर्ड। जैसा कि आपके पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के होम पेज पे जो डैशबोर्ड है वहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आता था डैशबोर्ड का, वहाँ पे सेम मैम की जो कैटेगरी होती थी उस कैटेगरी में जो THR का ऑप्शन है उसको वहाँ पे हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए ये 5 अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण आए हैं। अब आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा पोषण ट्रैकर ऐप पर चल के कि वहाँ पर किस अपडेट आपका वर्क करेंगे। तो फिलहाल आपको ये समझाना था कि अभी आपके पोषण ट्रैकर ऐप में क्या क्या अपडेट आए हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल गई होगी कि पोषण ट्रैकर ऐप का जो 18.6 का अपडेट है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।